हाउ टू मैस्टर एनी स्किल फास्टली एंड ईजिली, किसी भी स्किल को सीखने में तेजी से और आसानी से महारत कैसे हासिल करें। वेल, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे किसी स्किल में मैस्टर बने, मैस्टरी हासिल कैसे करें, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हो। सो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्विक ईजी एंड बेसिक स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर लेते हो तो आप किसी भी कौशल को सीखने में तेजी से महारत हासिल कर सकते हो। चाहे वो बिजनेस स्किल्स हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, एनीथिंग, ये क्विक स्टेप्स हर जगह वर्क करेगा। अब इसे सिखाने से पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि आखिर हमें अपने फील्ड में मैस्टर बनना ही क्यों है, क्या जरूरत है हमें किस स्किल में महारत हासिल करने की। वेल, अगर आप हाईली सक्सेसफुल पीपल, सेल्फ मेड बिलियनियर्स, सेल्फ मेड मिलियनियर्स, उन लोगों को देखें जिन्होंने हजारों करोड़ों की वैल्यूएशन वाली कंपनीज को खड़ी की हुई है, तो उन लोगों के अंदर आपको ना एक चीज कॉमन मिल जाएगी। हालांकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, पैशनेट भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, बट एक चीज और होती है उनके अंदर जो ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते, और वो ये है कि वो मैस्टर होते हैं अपने फील्ड के, वो चैंपियंस होते हैं अपने स्किल्स के, वो अपने फील्ड के खिलाड़ी होते हैं, वो नॉलेज के भूखे होते हैं, वो कभी सीखना बंद ही नहीं करते, किताबें उनकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, वो मिनिमम 30 पेज हर दिन पढ़ते हैं, वो नई नई चीजें सीखते हैं और हर रोज सीखते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि आखिर हमें अपने फील्ड में मैस्टर बनना क्यों है, और उस कॉमन थिंग के बारे में जो बेहद कामयाब लोगों के अंदर रहती है। और अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं उन थ्री इजी एंड बेसिक स्टेप्स के बारे में, जिन्हें कामयाब लोग अपने जिंदगी के अंदर अप्लाई करके तेजी से किसी भी स्किल के अंदर मैस्टरी हासिल करते हैं। और आप भी अगर किसी स्किल में महारत हासिल करना चाहते हो तो इन थ्री स्टेप्स को अपने जिंदगी में अप्लाई करना होगा। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द यूज IRIT फॉर्मूला, जिसको आप इन शॉर्ट में फोकस ऑन आउटपुट मोर देन इनपुट भी बोल सकते हो। अब ये क्या चीज होती है, पहले आई की बात करते हैं। आई स्टैंड फॉर इनपुट और RIT इस पूरे होल प्रोसेस को हम आउटपुट बोलते हैं। इनपुट का मतलब यह है सिंपली कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए जो नॉलेज हम अलग अलग जगह से सीख के अपने माइंड में फीड करते हैं, इनपुट करते हैं, जैसे वीडियोस देख के, पॉडकास्ट सुन के, अपने मेंटर्स से सीख के, किताबें पढ़ के, तो इस प्रोसेस को हम इनपुट बोलते हैं। मतलब हम अपने स्किल के रिलेटेड नॉलेज को अपने माइंड में पुट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे इनपुट। और आउटपुट का मतलब सिंपली ये कि जो भी चीज हमने सीखी, जो भी स्किल्स हमने सीखी, जो भी नॉलेज हमने सीखी, उसका यूज करके अपने जिंदगी के अंदर फायदा उठाना। बट मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर वो कोई स्किल सीख रहे हैं तो उनका सारा फोकस सिर्फ इनपुट पे रहता है, सिर्फ नॉलेज को फीड करते रह जाते, वो आउटपुट पे फोकस ही नहीं लेके जाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं देख रहा हूँ कि लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। अभी एक स्किल है, उन्होंने नॉलेज भरी हुई है अलग अलग कोर्सेज को ज्वाइन करके, वीडियोस देख के, ट्रेनिंग्स लेके, किताबें पढ़ के। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, असल में प्रॉफिट ही मैटर करता है ना, तो सामने से कोई जवाब ही नहीं आया। मेरे भाई, अगर आपने कोई स्किल सीखी है तो उसका फायदा कौन उठाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शैलो लर्निंग। ये जो शैलो लर्निंग होती है, ये हमारे माइंड के लिए एंटरटेनमेंट का वर्क करती है, हमारे माइंड को एंटरटेन करती है बस, कि लोग बस सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। पर जब बात आती है उस स्किल का यूज करके, उस नॉलेज का यूज करके जिंदगी में फायदा उठाने की, तो ढीले पड़ जाते हैं। सी, हमें शैलो लर्निंग नहीं करनी, हमें डीप लर्निंग करनी है। हमें अपना 2x फोकस आउटपुट पे लेके जाना है जी। जितना टाइम हम इनपुट करने में देते हैं, नॉलेज को फीड करने में देते हैं, उसका दुगना फोकस हमें आउटपुट के प्रोसेस को देना होगा। हमें ये नहीं करना कि हम नॉलेज को माइंड में बस फीड करते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं, हमें इसका फायदा उठाना है जी। अब आउटपुट की प्रोसेस की बात करते हैं। नाउ आर मीन्स रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जो भी नॉलेज सीखी, जो भी स्किल सीखी, आपको उस पे रिफ्लेक्ट करना है कि कैसे वो नॉलेज या स्किल आपको अपनी लाइफ में फायदा करा सकती है। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, दिमाग लगाना है कि कैसे आप उस नॉलेज या स्किल का यूज करके जिंदगी के अंदर फायदा उठा सकते हो। चाहे वो स्किल आपके बिजनेस में यूज हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में यूज हो, चाहे वो आपके हेल्थ में यूज हो। जस्ट रिफ्लेक्ट, दिमाग लगाओ कि कैसे आप उस नॉलेज का यूज करके, उस स्किल का यूज करके जिंदगी में बेहतर बन सकते हो। आपने पहला काम क्या किया कि आपने उस नॉलेज को इनपुट किया, जो भी चीजें आपको सीखनी है। सेकंड काम आपने क्या किया कि आपने उस नॉलेज पर रिफ्लेक्ट किया कि आखिर वो आपकी जिंदगी के अंदर कहां पे काम करेगा। नाउ तीसरा काम, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू इंप्लीमेंट इट। आपको यहां पे इंप्लीमेंट करना है चीजों को, जो भी नॉलेज आपने सीखी, जो भी स्किल आपने सीखी। ज्यादातर लोग यहाँ पे ढीले पड़ जाते हैं, वो सीख तो बहुत कुछ लेते हैं पर जब समय आता है इंप्लीमेंट करने को वो करते ही नहीं है। उन्होंने अलग से कोई किताब पढ़ी, उनको पता तो होता है कि किताब के अंदर क्या लिखा है। अगर आप पूछते हो उनसे कि कैसी थी किताब, वो बता तो देंगे कि क्या क्या उन्होंने पढ़ा, पर किताब के अंदर बताए गए नॉलेज को वो खुद नहीं इंप्लीमेंट कर रहे होते। लेट से अगर उन्होंने रिच डैड पुअर डैड को उठा के देखा, उन्होंने ऐसे लाइबिलिटीज को डीप में पढ़ा, बता तो देंगे आपको कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, पर
वो खुद नहीं इंप्लीमेंट कर रहे होते, और यहीं से वो एक इल्यूजन में पढ़ना शुरू हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। उन्हें बस ऐसा लगता है कि वो डे बाई डे ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, इंप्रूव होते चले जा रहे हैं, प्रोडक्टिव होते चले जा रहे हैं, पर असल में ऐसा होता ही नहीं है। वो वीडियोज पे वीडियोज देखते चले जाते हैं, एक वीडियो देखा जी माइंड एंटरटेन हुआ कुछ नया सीखा, फिर सेकंड वीडियो पे मूव कर जाते हैं वो, पर बताई गई हुई बातों को इंप्लीमेंट ही नहीं करते, शैलो लर्निंग करते हैं। सी, शैलो लर्निंग मत करो, इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस में मत पढ़ो। यही प्रोसेस से लोग फिल्टर होते हैं जिनको आगे किस स्किल में मास्टरी मिलती है। भाई आपने कोई खतरनाक कोडिंग स्किल सीख ली, पर जब तक आप मार्केट में उतर के उस स्किल का यूज ही नहीं करते हो तो उस स्किल का होने का क्या फायदा। वो आपने थ्री इडियट्स का डायलॉग सुना है ना कि ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसका मकसद सिर्फ टॉपर बनना हो, फर्स्ट आना हो, अगर वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं आए तो। सी, एक चीज दिमाग में आज से गांठ बांध लो कि अगर आप कोई भी चीजें सीखे हो या कोई भी नॉलेज आपने इनपुट किया अपने माइंड में, जब तक वो आपका फायदा नहीं करा रही है तो आपने बस इंटरटेन किया अपने माइंड को, आप इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस में जी रहे हो। अब अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे मास्टरी हासिल करनी है तो आप क्या करो कि जो भी चीजें आपने सीखी उसे लोगों को सिखा दो, लोगों को ट्रेन कर दो उन फैक्टर्स के ऊपर जो भी चीजें आपने सीखी है। इससे क्या होगा कि वो नॉलेज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जिंदगी भर के लिए जाके बैठ जाएगा, आप भूलोगे ही नहीं। अब जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि किसी भी स्किल को कैसे मास्टर करें, गारंटेड है कि मैं जिंदगी भर ये नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ मैं नहीं भूलूंगा। टी स्टैंड फॉर टीच, आपने पहले खुद सीखा फिर लोगों को ट्रेन कर लो। और अगर आप खास करें कि स्टूडेंट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए क्या करो कि आप 45 मिनट्स का जैम सेशन रेडी करो। उस सेशन के अंदर 20 मिनट तो आप सबसे पहले पढ़ाई करो और 25 मिनट क्या करो कि लोगों को उसी फैक्टर के ऊपर ट्रेन कर लो जो आपने पढ़ी हुई है। इससे क्या होगा कि एग्जाम्स के टाइम में वो चीजें आपको याद रहेंगी क्योंकि आपने उन चीजों के ऊपर लोगों को टीच कर दिया, ट्रेन कर दिया। दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव रिकॉल टेक्निक। सो दिस इज द IRIT फॉर्मूला। आपने नॉलेज लिया, पहले इनपुट किया माइंड में जो चीजें आपको सीखनी है, फिर आपने रिफ्लेक्ट किया कि कैसे आपकी जिंदगी में काम आएगा, फिर आपने इंप्लीमेंट किया चीजों को, और एट द एंड आपने क्या किया कि उसे दूसरों को भी सिखाया। ये पूरा होल प्रोसेस होता है किसी भी स्किल के अंदर मास्टरी हासिल करने के लिए। आई होप यू गॉट इट।